नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली फंडा फंड न्यूज चैनल पर। आज आपके सामने एक नई खबर के साथ आए। जी आपको बता दें, बैटरी बनाने वाली कंपनी पर मुकेश अंबानी ने दाम लगा दिया है। चीन तक के कारोबार पर आरआईएल का दबदबा हो रहा है। जी हाँ, आपको बता दें, मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कोबाल्ट मुक्त लिथियम बैटरी बनाने वाली कंपनी लिथियम वेकर्स पर बड़ा दाव खेला है। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड ने लिथियम वेकर्स बीवी की सभी एसेट के अधिग्रहण का ऐलान किया है। ये डील 6.1 करोड़ डॉलर में हुई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से जारी बयान के मुताबिक रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड ने पक्के करार पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस लेनदेन का कुल मूल्य 6.1 करोड़ डॉलर है, जिसमें भावी वृद्धि के लिए वित्त पोषण भी शामिल किया गया है। जी आपको बता दें, चीन तक है कारोबार। गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र में कदम बढ़ा रही रिलायंस के लिए लिथियम वेकर्स का अधिग्रहण अहम सौदा रहेगा। इस सौदे में लिथियम वेकर्स की चीन में स्थित मैन्युफैक्चरिंग इकाई के अलावा उसके सभी उत्पाद और मौजूदा कर्मचारी भी शामिल हैं। जी हां, आपको बता दें कि 2017 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। बता दें कि वर्ष 2017 में कामकाज शुरू करने वाली लिथियम वेकर्स कोबाल्ट मुक्त लिथियम बैटरी से जुड़ी टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसका परिचालन अमेरिका, यूरोप एवं चीन में होता रहा है, जबकि ग्राहक दुनिया भर में फैले हैं। लिथियम वेकर्स की बनाई बैटरियां का इस्तेमाल औद्योगिक, चिकित्सा, समुद्री परिवहन, ऊर्जा भंडारण और वाणिज्यिक परिवहन क्षेत्रों में भी होता है। जी हां, आप इसके बाद आपको बता दें कि शेयर का क्या हाल रहा। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर भाव 241.855 रुपए रहा। कारोबार के अंत में कंपनी के शेयर में 0.84% की बढ़त रही। जी हां, आपको बतला दें कि लाइंस का मकसद ग्लोबल डिमांड को पूरा करना है। लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज की डिमांड बढ़ने और लिथियम रेक्स के पास एलएफपी सॉल्यूशंस की इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो होने के कारण रिलायंस ने डील की है। इससे रिलायंस का मकसद ग्लोबल डिमांड को पूरा करके फायदा उठाने का है।